एक साल के बाद मीटिंग जो है दिशा की माननीय सांसद महोदय के चेयरमैनशिप में ये हुई। ज़्यादातर चीज़ों में कंप्लायंस नहीं हुआ हुआ था, रिपोर्ट्स अवेटेड हैं, बजट होने के बाद उनका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3,000 की रिक्वायरमेंट है, 100-100 मकान भी नहीं बने हुए हैं, बड़ी बुरी हालत है। रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बुरी हालत है, उसके लिए ज्यूरिडिक्शन नहीं तय हो पा रही है कि रोड्स किसकी हैं। कोई कहता है PWD की है, कोई कहता है पब्लिक हेल्थ की है, कोई कहता है म्यूनिसिपल कमेटी की है। इसी वजह से हमारा जो जर्जर शहर है या रूरल एरिया है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। आज जो दिशा की मीटिंग हुई, बहुत सारा ऐसा अमाउंट है, चाहे वो NHM का है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का है, या हमारा इस तरह की कई चीज़ें हैं जिसका कि भारत सरकार से बजट आना है। अगर गंभीरता पूर्व जो है प्रशासन हमारा ले तो हम भारत सरकार से पैसा ले सकते हैं, गरीबों का भला हो सकता है। आयुष्मान कार्ड में जिस प्रकार से धांधली के आरोप लगाए गए हैं वो एक बहुत बड़ा विषय था। सबसे बड़ा विषय हमारा यहाँ की पार्कों की जो दुर्दशा है, जर्जर शहर में जो पूरा पानी भरा हुआ है, चौकों का जो बुरी हालत है, पार्कों को इन्होंने NGO को दे दिया है, फंड्स यहाँ पर है नहीं है, सफाई और कूड़े के जो ढेर लगे हुए हैं, और साथ ही साथ में जो हमारे मेन रोड्स हैं, जो स्टेट रोड्स हैं, चाहे उसको लेकर भी हमने कहा है कि जो फंड्स हैं अतिशीघ्र, चाहे वो चूचक बाईपास है, चाहे ग्वालिसन रोड है, चाहे हमारा अग्रसेन चौक से होता हुआ यादव धर्मशाला की तरफ आता हुआ रोड है, तो इसमें क्लियर ज्यूरिडिक्शन होनी चाहिए। कन्फ्यूज सी मीटिंग है, एजेंडा कम से कम फंड्स होने के बाद उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मैं इस बात को लेकर सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि जो अफसर एक एक साल तक आपको कंप्लायंस या अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप रहे हैं, इसका मतलब वो अपने जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। देखिए, पूरे प्रदेश भर में यही स्थिति है। ज़्यादातर BJP के पार्षद हों, चाहे यहाँ तक तो चेयरमैन भी इस्तीफा देने के लिए तैयार फिर रहे हैं, क्योंकि उनकी पावर्स पूरी तरह से स्नैच कर ली गई हैं। पैसा दिया नहीं गया, चोर अलग साबित कर देते हैं। तो ये स्थिति कई जिलों में हो रही है, नगर पालिका नगर परिषद में, और चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद में भी आपने घोटाले घपले देखे होंगे। अभी कैथल का मामला आया, कई जगह हालत यही है। BJP और JJP के स्वयं के पार्षद और उनके पदाधिकारी क्या पूर्व विधायक तक इस्तीफा देकर जो है अपनी आस्था कांग्रेस पार्टी में भी जता रहे हैं, या वो सरकार की गतिविधियों से परेशान होकर BJP से इस्तीफा देने का काम कर रहे हैं। देखिए, मणिपुर में जो जातीय हिंसा लगातार चल रही है, देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इस प्रकार से लगातार 2.5 महीने तक जाति के आधार पर, धर्म जाति और बिरादरी के नाम पर जो BJP का हिडन एजेंडा रहता है, मणिपुर में पूरी तरह से इसकी वजह से आम जनमानस का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, जान माल का खतरा जो हो चुका है। इसके साथ साथ जो वीडियो वायरल हुआ है, बहन बेटियों की इज्जत आबरू को किस प्रकार से नोचा जा रहा है और सारे देश और दुनिया ने देखा है, और थू थू हो रही है, हमारा सर शर्म से झुक रहा है कि इतनी शर्मनाक घटना जो ये घटित हुई है, तुरंत प्रभाव से उस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर संज्ञान लिया है, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह की हिंसा भी रुकनी चाहिए। कम से कम BJP की जहां सरकार है, केंद्र में राज्य में सरकार है, इस तरह की घनौनी हरकतों के खिलाफ कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम कड़े शब्दों में इस शर्मनाक दर्दनाक घटना की जो है निंदा करते हैं। राहुल गांधी जी ने जब मणिपुर में जाने का प्रयास किया तो हमारे नेता को, वो केवल उनसे मिलने जा रहे थे, उनका दुख दर्द जानना चाह रहे थे, राहुल गांधी जी की यात्रा को रोक के उनको मिलने जाने नहीं दिया गया और सरकार के लोग वहाँ पर जा नहीं रहे हैं। ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा ही खतरे का प्रश्न है। जब भी कहीं चुनाव होने लगते हैं उनको पैरोल मिल जाती है, ये तो कोर्ट कचहरी का मामला है, उनके ज्यूरिडिक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का इसमें पूरी तरह से इंटरेस्ट रहता है।